हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए फिर डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि झांशियान आग जलाता है, इधर जिंगजिंग और वेनिंग मछलियां धोकर लाते हैं। झांशियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग वांग को क्या बताए, इसलिए वेनिंग ने अपना काम शुरू किया। तुम्हें पता है वांग वांग, मेरे मास्टर को हथियार चलाने आते हैं, वो भी हर तरह के, मार्शल आर्ट आता है, घुड़सवारी आती है, वो शिकार कर सकते हैं, साथ ही वो सेना का नेतृत्व भी करना जानते हैं। वेनिंग के लिए बहुत गर्व की बात थी कि वो इतने होनहार मास्टर का इकलौता सर्वेंट था। ऐसे तो उसकी ट्रेन रुकने नहीं वाली थी, झांशियान को ही उस पर कसकर ब्रेक लगाने पड़े। वो चिल्लाकर बोला, अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हें कोई मछलियाँ नहीं मिलेंगी। झांशियान के शब्द सुनते ही वेनिंग तुरंत चुप हो गया। वांगई अपने ख्यालों में खोया था। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद झांशियान से कहा, मैं घुड़सवारी जानता हूँ और मुझे शिकार भी बहुत पसंद है। वेनिंग को अपने मास्टर की तारीफ करते देखकर जिंगी क्यों पीछे हटता, वो भी तुरंत वांगई के पास आ गया और उसने कहा, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर शिकार और घुड़सवारी बहुत आम बात है। झांशियान, जिसने अब तक किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं ली, उसने एकाएक वांगई से पूछा, तुम कहाँ पर रहते हो? वांगई अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन तभी जिंगी बोल पड़ा, हम यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, वहाँ पर घोड़े से जाने के लिए पूरा एक दिन लगता है। लेकिन वांगई तो वांगई था, उसे अपना नया बना दोस्त बहुत ही भरोसे के काबिल लग रहा था। उसने तुरंत कह दिया, मैं मेरी माँ के साथ चैन समुदाय में रहता था। जब वो ये बात बोल रहा था, उसकी आँखों में उदासी झलक गई, जो झांशियान ने तुरंत पकड़ ली। उसने कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ? वांगई शांत बैठा था, हवा की लहरों पर उसके बाल भी लहरा रहे थे, उसके माथे पर सूरज चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई नक्षत्र उतरकर ज़मीन पर आया हो, जो बहुत ही खूबसूरत और शुद्ध है, जिसे छूने भर से वो टूटकर बिखर जाएगा। झांशियान, जिसका दिल अब तक जम चुका था, वो वांगई के आने से धीरे धीरे पिघलने लगा था। उसका एहसास इतना प्यारा था कि वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। कुछ ऐसा जिसे वो जान देकर भी सुरक्षित रखना चाहता हो, कुछ ऐसा जिसे वो अपने आप से भी छुपा कर रखना चाहता हो। एकाएक वो परेशान हो गया, उसे डर लगने लगा कि ये उसे हो क्या रहा है। वेनिंग और जिंगई का मछलियों को मसाला लगाना भी हो गया था, तो वो मछलियाँ लेकर आग के पास सेकने के लिए चले गए। झांशियान, जो अब तक दूर खड़ा था, वो वांगई के पास आकर बैठ गया। जब वांगई को एहसास हो गया कि झांशियान उसके पास आकर बैठ गया है, वो अपने आप से बोलने लगा, मेरे पिताजी और भैया हर 3 महीने में मुझसे मिलने आते हैं और मैं अपने नाना नानी के साथ रहता हूँ। वांगई ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन उसके अंदर पता नहीं कितने तूफान चल रहे थे। झांशियान ने उसके दिल का हाल जान लिया। वो मुस्कुराकर बोला, इसका मतलब है हर 3 महीने में तुम बहुत ज़्यादा मज़े करते होंगे। मज़े का नाम सुनते ही वांगई का खुशी वाला बटन दब गया। उसने फिर से एक बार चहचहाती आवाज़ में कहा, हाँ, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो वो माँ से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो गंदे गंदे लोगों के पुराने पुराने नियम नहीं हैं, उनकी वजह से हमें अलग होना पड़ा। ये काफ़ी आम सी बात थी कि पुराने लोग काफ़ी सारे रीति रिवाजों का पालन करते थे, जिसकी वजह से हंसते मुस्कुराते घर टूट जाया करते थे। झांशियान ने इस बात पर ज़्यादा जोर ना देने की सोची। उसने वांगई से पूछा, और तुम्हारे भाई का क्या? सिचन का ख्याल आते ही वांगई की आँखें फिर से चमक उठी। उसने कहा, हाँ, वो तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे पीठ पर बिठा कर पिगी बैक करते हैं। झांशियान से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। उसने वांगई से कहा, पिगी बैक, इसका मतलब तुम पिगी हो? उसे खुद अपनी बातों का आश्चर्य हुआ, वो कब से लोगों को चिढ़ाने लगा? वांगई झांशियान की तरफ झुका और उसने कहा, मैं पिगी नहीं हूँ, तुम पिगी हो। फिर वो जोर से दहाड़ा और कहा, मैं तो एक शेर हूँ, शेर। वांगई का खेलने वाला बटन स्टार्ट हो गया, जैसे वो चेंग समुदाय में अपने दोस्तों के साथ खेलता था। इधर झांशियान भी चौकन्ना था, उसने तुरंत अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो देखते हैं पिगी कितने जोर से दौड़ता है। अब पानी वांगई के सर के ऊपर से जाने लगा था। उसने चिढ़कर कहा, मैं पिगी नहीं हूँ, मैं लायन हूँ और तुम मुझे पिगी बुला रहे हो? रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। झांशियान ने आगे भागते हुए कहा, शेर नहीं, तुम तो बिल्ली के बच्चे जैसे लग रहे हो। तो वांगई ने चिढ़कर कहा, रुको, तुम्हें दिखाता हूँ बिल्ली का बच्चा कैसा होता है। वांगई के पास आते ही झांशियान लपक कर दूसरी तरफ चला जाता था, वो बिल्कुल भी वांगई के पकड़ में नहीं आ रहा था।
वांगई चिल्लाते हुए और ज़ोर से उसके पीछे भागने लगा। वो दोनों ऐसे ही बच्चों की तरह खेलते रहे। दोनों की हंसी की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। तभी वेंडिंग ने जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज़ दी, मछलियाँ तैयार है, अगर तुम दोनों अभी नहीं आए तो मैं सारी खा जाऊँगा। वांगई दौड़कर उनके पास चला गया और कहा, उसके हिस्से की मछलियाँ भी मुझे ही दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। झांसी अन्य हंसते हुए कहा, अगर तुमने ये सब खा ली तो तुम सच के पिग्गी होगे। तो वांगई ने पाउट करते हुए कहा, मैं पिग्गी नहीं हूँ, तुम चाहो तो अपना हिस्सा खा सकते हो। झांसी अन्य अपने हिस्से की मछली उठाई, वो वांगई के सामने जाकर खाते हुए बोला, माफ़ करना तुम्हें परेशान करने के लिए, अगर तुम चाहो तो कल हम दोनों शिकार पर चल सकते हैं। वांगई जो एक पल पहले रूठ कर बैठा था तुरंत खुश होकर बोला, हाँ कल शिकार पर चलते हैं। वांगई ने अपने मुंह में मछली का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, जिसकी वजह से वो सच्ची के बिल्ली के बच्चे जैसा लग रहा था। साथ ही उसके मुंह पर भी कुछ लग गया था। झांसियान उसे देखकर बहुत बुरी तरह से उसके होठों पर लगा हुआ वो दाग अपने हाथों से हटाना चाहता था। साथ ही इस बड़े वाले बिल्ली के बच्चे को देखकर वो अपनी हंसी मुश्किल से दबाए हुए था। लेकिन जब वेंडिंग वांगई के सामने से चलकर आ रहा था, उसने वांगई को देखकर ठहाके मारकर हंसते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल मूछे वाले बिल्ली के बच्चे लग रहे हो। लोटपोट होकर हंसते हंसते वो ज़मीन पर गिर गया। जिंगई गुस्से में वेंडिंग को घूरने लगा और उसने वांगई की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ा सा खाना चिपका हुआ था। उसने तुरंत अपना रुमाल निकाल कर वांगई का चेहरा साफ किया। इधर झांसियान का भी हाथ उठा था वांगई का मुंह साफ करने के लिए, लेकिन जब उसने उस जगह पर देखा जहाँ पर अब बचा हुआ खाना नहीं चिपका था, उसका दिल भी खाली खाली हो गया। उसकी उंगलियाँ वापस से मुड़ गई, जो अब बुरी तरह से कपकपा रही थी। वो सोच रहा था, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। झांसियान अब वेंडिंग की तरफ घूर कर देखने लगा। वेंडिंग जो अपनी मछलियों का आनंद ले रहा था, जब उसने अपने यंग मास्टर की तरफ देखा, उसने अपना सर झुका लिया, जैसे कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। वांगई ने वेंडिंग की तरफ देखा, उसे पता था वेंडिंग को उसके साथ मजाक करना बहुत पसंद है, तो उसने गुर्रा कर कहा, जब मैं जंगल का राजा बन जाऊँगा ना, तब तुम देखना। वेंडिंग को चिढ़ा कर वांगई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन वेंडिंग चुपचाप अपनी मछलियाँ खा रहा था, तो जिंगी से उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने वेंडिंग को चिढ़ाते हुए कहा, तब देखना तुम्हारे जैसे बंदर उसके आगे पीछे घूमेंगे। वेंडिंग को तो पहले ही खुजली हो रही थी और अब चिंगजिंग ने भी उसे चिढ़ाया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बोला, बंदर क्या तुम अपनी बात कर रहे हो। अब चिंगी भी दाव में आ गया, उसने चिढ़कर कहा, मैं नहीं तुम बंदर हो। वेंडिंग भी उसे बोला, मैं नहीं तुम हो। उनकी ये नोकझोंक थोड़ी देर तक चलती रही, जब तक कि वांगई उठकर खड़ा नहीं हुआ। उसने कहा, तुम दोनों ही बंदर हो, वो भी प्यारे प्यारे। उन दोनों को चिढ़ाकर नटखट वांगई झांसियान के पास चलकर गया। उसने उससे कहा, तुम्हारे बारे में क्या। झांसियान चुपचाप अपनी मछली खा रहा था। उसने पूछा, क्या। तो वांगई ने पूछा, कौन सा जानवर। झांसियान ने कहा, कैसा जानवर। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था वांगई किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उन सारे पलों का आनंद लेना चाहता था। वांगई इस बात से थोड़ा सा चिढ़ गया। उसने पैर पटकते हुए झांसियान के सामने जाकर कहा, मुस्कुराओ। क्या। झांसियान ने उससे पूछा, तुम्हें पता है ना मुस्कुराते कैसे हैं। वांगई ने पूछा। अब वांगई की बारी थी तीसरे राजकुमार को चिढ़ाने की। झांसियान धीरे से वांगई की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उसने पाउट किया। वेंडिंग के हाथों से मछली नीचे गिर गई। उसे जैसे बिजली का झटका लगा, उसके यंग मास्टर पाउट करते हैं। जिंगी ने वेंडिंग की तरफ सर करके उसे सर हिलाकर पूछा, क्या बात है। तो वेंडिंग ने जोर से नामे सर हिलाया। एक तरफ वांगई था, जो हर वक्त बच्चे की तरह पाउट करता रहता था, और दूसरी तरफ झांसियान, जो बड़े से महासागर के मछली की तरह बड़ा सा पाउट कर रहा था। वांगई ने अपनी मछली का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में रखा, फिर झांसियान के सामने जाकर बोला, तुम्हारे लिए मुस्कुराना इतना मुश्किल है। वांगई का चेहरा झांसियान के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। झांसियान के दिल ने तो लगभग काम करना ही बंद कर दिया था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके फेफड़ों में से किसी ने हवा खींच कर बाहर कर दी हो। वहाँ पर हवा तो बहुत थी, लेकिन कुछ भी उसके नाक से अंदर नहीं घुस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वांगई के खूबसूरत चेहरे ने उसके पास आने वाली हवा पर भी पहरा लगा दिया हो। झांसियान एक बेहतरीन योद्धा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसों की आपूर्ति ही नहीं हो रही है।
झांशियान अभी भी अपने ही ख्यालों में था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके गालों पर कोई छू रहा है, बस छू ही नहीं रहा है, उसे ऊपर नीचे कर रहा है, जैसे कि वो मुस्कुरा रहा हो। वो और कहीं नहीं वांगी था। वांगी ने चिल्लाकर कहा, बनी। उसने झांशियान की तरफ देखकर कहा, तुम तो बिल्कुल बनी जैसे हो। वेनिंग जो पानी पी रहा था वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। झांशियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगी को पीछे करे या फिर खुद भाग जाए। उसके दिमाग ने तो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। वांगई ने अब झिंगी और वेनिंग को दिखाते हुए कहा, देखा, ये बनी जैसा ही तो लग रहा है ना। इधर वेनिंग सोच रहा था, अगर कोई राजमहल के किसी भी व्यक्ति को छूता है, इसकी तो एक ही सज़ा है, उसके हज़ारों टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर उसका विरोध तक नहीं कर रहे हैं। ये लड़की खुलेआम उनका मजाक बना रही है, लेकिन ये मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। क्या इनका मुंह व्हेल मछली ने खा लिया है? वेनिंग ने अपना मुंह तो नहीं खोला, लेकिन उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसके यंग मास्टर पर किसी ने जादू कर दिया है। जिंगे ने अपनी मछली ख़त्म की और हंसते हुए कहा, वांगई, ये तो बिल्कुल असली वाला खरगोश लग रहा है। फिर उसने वेनिंग की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है? वेनिंग अपना मुँह खोलने का ढाढ़स नहीं बंधा पाया। वैसे भी वो डांट नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसने बहती धारा में हाथ धोने का सोचा। वो बस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांगई तो ऐसे हंस रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने फिर से एक बार झांशियान का मुंह पकड़कर इधर उधर किया और बोला, इस बनी पर तो निशान है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। और वांशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।